भारत की जीडीपी में दर्ज हुई रिकॉर्ड गिरावट, पिछले 40 सालों की सबसे निचली सतह पर जीडीपी, जुलाई में गई 50 लाख नौकरियां। क्या इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है भारत? अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। भारत में 31 अगस्त 2020 को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के नंबर्स आए हैं। माली साल 2020-21 की पहली सेमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल में जून महीने के जो आदद शुमार सामने आए हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। इस डाटा में बताया गया है कि भारत की जीडीपी -23.9% हो गई है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छे इशारे नहीं हैं। क्या है जीडीपी? जीडीपी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद और उर्दू में मजमुई घरेलू मसनुआत कहते हैं। मतलब मुल्क में होने वाला प्रोडक्शन, मुल्क में बनने वाले प्रोडक्ट्स का डाटा होता है। कुछ साल पहले इसमें एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसे अलग अलग खिदमात यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया है। इस तरह प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर की तरक्की या गिरावट जो नंबर होता है उसे जीडीपी कहते हैं। इससे पता चलता है कि साल भर में इकोनॉमी ने कैसा काम किया, यानी इंडियन इकोनॉमी ने साल भर में कितना अच्छा या ख़राब मुजाहरा पेश किया है। जीडीपी का आंकड़ा कम हुआ तो इसका मतलब है कि मुल्क की मईशत सुस्त हो रही है और मुल्क में पिछले साल के मुकाबले कामकाज कम हुआ है, प्रोडक्शन कम हुआ है और सर्विस सेक्टर में भी गिरावट दर्ज हुई है। कैसे होता है जीडीपी का कैलकुलेशन? भारत में सरकारी इदारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ साल में 4 बार जीडीपी का कैलकुलेशन करता है, यानी हर क्वार्टर में जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। इकोनॉमिस्ट की राय है कि भारत जैसे तरक्की याफ्ता लेकिन कम आमदनी वाले मुल्क के लिए सालाना बुनियाद पर ज़्यादा जीडीपी रेट हासिल करना ज़रूरी है ताकि बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जीडीपी से एक तय मुद्दत में मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी सालाना तरक्की का पता चलता है। जीडीपी के आंकड़े 8 सेक्टर्स के कामकाज से इकट्ठा किए जाते हैं। ये 8 कोर सेक्टर्स हैं: एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर, माइनिंग, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट और इंश्योरेंस एंड बिजनेस सर्विसेज। जीडीपी इतनी अहम क्यों है? आम जनता के लिए जीडीपी इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार अपने तमाम फाइनेंशियल एंड कमर्शियल फैसले इसी बुनियाद पर लेती है और तमाम पॉलिसीज इसी की बुनियाद पर बनाई जाती हैं। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानि मुआशी सरगर्मियाँ पहले से बेहतर हैं, यानि मुल्क में मुआशी तरक्की हो रही है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या नेगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब है कि मुआशी सरगर्मियाँ पहले से बदतर हुई हैं, सरकारी पॉलिसीज़ में कुछ गड़बड़ है और उन पर गौर करते हुए उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़, कारोबार, शेयर बाज़ार के इन्वेस्टर्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स सब पर जीडीपी का असर पड़ता है और इसीलिए ये सभी जीडीपी पर नज़र जमाए रहते हैं। जीडीपी बढ़ने पर ही फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं या नया बिजनेस शुरू करते हैं। इसी बुनियाद पर सरकार या प्राइवेट कंपनियों को किसी तरह का बाहरी खर्च या फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है। कोरोना के इस वबाई दौर में इंडियन इकोनॉमी 4 दहाइयों की सबसे बड़ी गिरावट झेलते हुए जून क्वार्टर में -23.9% यानी 23.9% नीचे आ गई है। जीडीपी ग्रोथ में इस कमी के लिए सरकार भले ही लॉकडाउन को जिम्मेदार बता रही है लेकिन जीडीपी के नीचे आने में यही एक वजह नहीं है। आदादोशुमार पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 5 सालों से ही इंडियन इकोनॉमी लगातार गिरावट के दौर से गुजर रही है। इकोनॉमी के अहम सुतून कहे जाने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 50.3%, वहीं ट्रेड सेक्टर में 47% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स में, इन्वेस्टमेंट्स में,
दर्ज की गई कमी के चलते ही इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त हुई है। वहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए जानकार भारत में मंदी का अंदाज़ा लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मई 2020 में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा था कि आज़ादी के बाद से भारत की चौथी मंदी यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस, हम जिसे रिसेशन भी कहते हैं, जो कि लिबरलाइजेशन के बाद पहला होगा और शायद सबसे ख़राब मुआशी बहरान शुरू होने जा रहे हैं। मौजूदा जीडीपी के नंबर्स क्या हमें बता रहे हैं कि हम भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ निकल चुके हैं। जीडीपी में गिरावट से होगा क्या? अब सवाल यह है कि अगर देश की जीडीपी में गिरावट आती है तो उसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी की जिंदगी पर जीडीपी गिरने का कोई असर सीधे नहीं पड़ता, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि आम आदमी की ज़िंदगी में आ चुकी दुश्वारियों को ही जीडीपी का आंकड़ा गिरावट के तौर पर सामने पेश करता है और फ्यूचर के लिए भी ये अच्छे इशारे नहीं हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ जा रही है तो बेरोज़गारी का ख़तरा बढ़ जाता है। जिस तरह आम आदमी कमाई कम होने की खबर सुनकर खर्च कम और बचत ज़्यादा करने लगता है, ठीक उसी तरह कंपनियां भी अपना काम करने लगती हैं और किसी हद तक सरकारें भी। नई नौकरियां मिलनी कम हो जाती हैं और लोगों को निकाले जाने का सिलसिला भी तेज़ हो जाता है, जबकि लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर रोज़गार से हाथ धो बैठे थे। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक इदारा है। इस इदारे के मुताबिक सिर्फ जुलाई के महीने में 50 लाख नौकरी पेशा लोग बेरोज़गार हो गए हैं और ये हरगिज़ ही अच्छे इशारे नहीं हैं। ऐसे में भारत के $5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने के सपने का क्या होगा और इस हालात से उभरने का रास्ता क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा, क्योंकि पिछले दिनों फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने इकोनॉमी में गिरावट को एक्ट ऑफ गॉड करार देते हुए मुआशी बहरान के लिए कोरोना वायरस को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद उनके इस कमेंट को लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ट्रोलिंग हुई और अपोजिशन लीडर्स ने भी उन पर निशाना कायम किया था। जबकि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर सब कुछ भगवान की देन है तो सरकार की ज़रूरत क्या है। आपको बता दें कि अब तक यूनाइटेड किंगडम जीडीपी में 21.7% की गिरावट के साथ टॉप 20 इकोनॉमीज में बहरान का शिकार होने वाला पहला मुल्क था, लेकिन अब भारत ने उसे पछाड़ते हुए जीडीपी में -23.9% की गिरावट के साथ सबसे पहले नंबर पर आने का अनचाहा रिकॉर्ड बनाते हुए भी एक तारीख रकम की है। इसके अलावा स्पेन -22.1% की गिरावट के साथ अब दूसरा माशी बहरान का शिकार मुल्क बन गया है। वहीं यूके अब तीसरे नंबर पर आ गया है। ऐसे में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी इकोनॉमिकल फैसला लेते वक्त होशियारी से काम लीजिए, क्योंकि भारत को अब -24 से ज़ीरो तक आने में ही लंबा वक्त लग सकता है, उसके बाद ज़ीरो से ऊपर उठना भी आसान नहीं होगा। प्रोग्राम क्या आप जानते हैं, मैं फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करना मत भूलिए।